महाधिवक्ता होता है और उसको लगातार दूसरी तीसरी बार, पहली बार फाइन हुआ, दूसरी बार डांट पड़ी, तीसरी बार आज, और उसके बाद भी क्या डेट है, अभी आज कितनी है, आप देख लें 17 और 31 डेट दे दी, मतलब 14 दिन का तो आदमी का जेसी रिमांड तक होता, इतना टाइम तो जेल वाले व्यक्ति को भी मिलता, तो इतनी जल्दी डेट भी दे दी। मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा ऑनरेबल चीफ साहब से, उन्होंने जल्दी की भी डेट रखी, और अब पता नहीं क्यों ऐसा वो बहाना सा क्यों बना रहे उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों उनको इस तरह से बहाना बनाने, कुछ ना कुछ देखिए बड़ी साफ सी बात है, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होती हैं, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर महाधिवक्ता साहब बेवफा हो रहे हैं, वफा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो बात रही होगी, ऐसे तो नॉर्मल बात तो नहीं है कि बैठे हुए जब नंबर आने को तो चले जाए, फिर बुलाए जाए, फिर आए, फिर अपोलॉजी, फिर उन्हें भी पता है, याद भी है, मैं उनके पास बैठ चुका था, मैं उनके पास ही जाके जब बैठा तो बैठे थे, मिले, नमस्ते, दुआ सलाम हुई, सब कुछ हुआ, तो ये सब तो होता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, क्यों कराया जा रहा है। चंद साहब की भावनाओं से और एजी साहब की भावनाओं से क्या लग रहा था, जब हम बैठते हैं तो आधा मंसूबा समझ लेते हैं, क्या है मनोदशा, क्या है? नहीं, जज साहब की तो मनोदशा थी कि वो देते चार्ट और उस पर हम लोगों का फाइनल, हमारी तरफ से फाइनल कंक्लूजन होता और ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता, ऑर्डर लिखाने के लिए रख लेते, ऑर्डर भी जल्दी करें क्योंकि लगातार सुनवाई कर रहे हैं, उनके दिमाग में सारा मैटर भरा हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है, फिर से कोई बताना नहीं पड़ रहा है, समझाना नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर उधर से कोई जवाब आता है तो उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, काउंटर हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा, हमारी तरफ से भी जवाब जाएगा रिस्पोंडेंट की तरफ से, तभी अपील डिसमिस हो पाएगी, और इस तरह से ये है कि आशा है, आशा ही विश्वास है, निराशा ही अंधकार है, आशा तो रखनी पड़ेगी, कोर्ट के एक नियम है, अब इतनी भी फिर गरिमा भी होती है कोर्ट की, जब अदालत माननीय अदालत ही खुद कह रही हो तो फिर उसमें से कहना, उसमें से उस तरह से करना वो भी अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा सा हम लोगों की भी एक मर्यादा होती है, डेकोरम होता है, VRL ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो सम्मान भी रखना पड़ता है, या तो नॉर्मल बिना ही कहे वो उनके नॉर्मल कहने पे डेट देने लगते तो अलग बात थी, लेकिन चीफ साहब ने अपनी तरफ से और डबल बेंच दोनों जजेस माननीय जजेस ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया और कहा कि इसको करना है जल्दी, और देखते भी है, देखिए वकील से ही आदरणीय जज बनते हैं, माननीय जज बनते हैं, तो सबको इस बात का तो अनुभव है कि कोई व्यक्ति दिल्ली से आया है, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर है, यहाँ आके बैठा है सुबह से, नंबर हवा आया 11:30 बजे, लेकिन ये तो 10:30 बजे ही आ गया, और ये देख रहा है, कर रहा है, लगा है, क्यों लगा है, इसका मतलब काम तो सब जगह होते हैं, इनकी तरफ से कोई, हमारी तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि आज मैं नहीं हूँ, या डेट दे दो, या अटेंड कर दो, आर्गुमेंट नहीं है, या तैयार नहीं, कुछ नहीं हुआ उन लोगों की तरफ से हुआ, तो इससे साफ ये तो जाहिर हो ही रहा है कि इनके ऊपर हमारे भी तो दबाव है, देखिए हमारे ऊपर भी तो प्रेशर है, अनुदेशकों का, आम जनता का, उससे जुड़े हुए लोगों का, और सबसे बड़ा तो स्पेशल कवरेज का, शिव कुमार मिश्रा जी का संपादक है उसके, उनका सबसे बड़ा दबाव, इनके पैनलिस्ट का दबाव, जो इनके पैनल में होते हैं उनका दबाव, ये दबाव भी तो बड़ा मानसिकता, मानसिक दिमाग को झकझोरता है, इतने लोगों का दबाव, अनुदेशक महासंघ का दबाव, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जितनी तल्लीनता से इस केस को देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि इस केस को हम जीतेंगे जरूर, समय सबका होता है, सबका आगे पीछे होता है, लेकिन अनुदेशक खुद का ही कालिदास है, वो अपनी जान पर बैठ के अपने ही पेड़ वृक्ष को काटने में लगा रहता है, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से किसी आदमी को जब हम बहुत ज्यादा बद्दुआ देते हैं, उससे नफरत करते हैं, तो फिर उसके विपरीत काम होने लगते हैं, तो ऐसे ही अगर आपसी सहयोग लेने के लिए कुछ मधुरता भी लानी होती है, कुछ मधुर बातें करनी होती है, यही नहीं है कि सब कुछ सरकार और वो कोर्ट और ये सब कुछ ऊपर वाला देखता है, और आप तो आशावादी व्यक्ति है।